Where the NCB sleuths have just landed. Let's quickly cut across India Today. Saurabh Bhaktania joining us. Saurabh, we saw 5 sleuths charging inside Rhea Chakraborty's home. They seem quite focused. They want to find what's inside Rhea's home. If at all she does have any banned substances, then that's going to be reached out. Here, what is the aim and intention of the NCB to raid Rhea's home? Well, Nabila, this is very important. This is massive. The first time, as Arvind Ojha was mentioning, that how first time an agency has entered the house of Rhea Chakraborty. Now, let me go back to the investigation which ED was doing. What happened actually, Nabila, is ED actually went through all the call detail records of Rhea Chakraborty. Now, after getting the dump data, they went into the keywords. They put in the names like drugs and several other drugs, name, drug peddling and everything else. Now, in that particular, there were so many chats which were found out, and there was a linkage. There was a WhatsApp group, Nabila, wherein Samuel Miranda, Rhea Chakraborty, Shovik Chakraborty, including... all right, to stay with us, we're quickly cutting across to Arvind Ojha there, bringing us more. वो काफी अहम होता है, क्योंकि इसमें पुलिस की तरह नहीं होता. इसमें 67 NDPS एक्ट के तहत अगर कोई अक्यूज्ड एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कोई बयान देता है, वो काफी मायने रखता है. वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है, उसके आधार पर सजा भी हो जाती है. तो बस जो व्हाट्सएप चैट थे जिसमें ड्रग्स की बात हो रही थी, उसके अलावा जो 2 ड्रग्स पेडलर थे उनके बयान के बाद यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सबसे बड़ा ऑपरेशन सुशांत की मौत के ड्रग्स कनेक्शन पर लेकर. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ये ड्रग पैडलर, इसको भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने हिरासत में लिया हुआ है. ये सीधा शोविक से कांटेक्ट में था, इससे भी पूछताछ चल रही है. तो अभी फिलहाल की अगर बात करें तो रिया चक्रवर्ती के घर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है. एक बार दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन कहूंगा ये दिखाएं. ये प्राइम रोज अपार्टमेंट है जो पिछले महीने भर से मीडिया की सुर्खियों में था. मीडिया कर्मी इस सोसाइटी के बाहर खड़े रहते थे. सीबीआई और ईडी की टीमें जांच कर रही थी. उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इसमें शामिल हुई क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन आया. तो तमाम जो एजेंसियां थी वो एक एक करके लोगों को बुला रही थी, लेकिन एनसीबी पहली ऐसी एजेंसी है जिसने सीधे रिया चक्रवर्ती के घर पर धावा बोला है. आज सुबह तकरीबन 7 बजे के लगभग धावा बोला एनसीबी की टीम ने, और फिलहाल रिया चक्रवर्ती के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मौजूद है. हमारी जानकारी के मुताबिक समीर वानखेड़े, जो एक तेज तरार अफसर है, वो भी रिया के घर के अंदर मौजूद है. शोविक से अंदर पूछताछ चल रही है, रिया से पूछताछ चल रही है, रिया के माता पिता भी हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है. पूरे घर को खंगाला जा रहा है. घर के अंदर जो एविडेंस है उनको तलाशने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक न सिर्फ ईडी बल्कि एनसीबी ने जो चैट्स है वो रिकवर किए हैं जिसमें बकायदा ड्रग्स की बात हो रही है. और आपको बता दूं, ये जो पूरा सर्कल है, चाहे रिया चक्रवर्ती हो, चाहे शोविक हो, चाहे सैमुअल मिरांडा हो, ये तमाम लोग, जो सुशांत का स्टाफ था, ये तमाम लोग ड्रग्स की बात कर रहे थे. लेकिन कल आज तक इंडिया टुडे ने इस पूरे केस में सबसे बड़ा खुलासा किया था, जब सीधा रिया चक्रवर्ती और शोविक का व्हाट्सएप चैट दिखाया था जिसमें बकायदा रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक से ड्रग्स अरेंज करने की बात कर रही थी, और शोविक ये बकायदा एश्योरेंस दे रहा था कि वो ड्रग्स मुहैया कराएगा. इस खुलासे के चंद घंटों बाद आपको फिर एक बार ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो अपार्टमेंट है वो पिछले एक महीने से हर मीडिया की सुर्खियों में था, और आज यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है. फिलहाल एनसीबी की टीम इस घर के रिया के घर के अंदर मौजूद है. सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, घर खंगाला जा रहा है, एविडेंस तलाशे जा रहे हैं. जी, well, here is Arvind Ojha, who's taken us through every detail right outside Rhea Chakraborty's home. Now let's quickly toss across to Arvind when he just took a look at NCB sleuths walking into Rhea's home. What happened when they just arrived? Let's take a listen. अब रिया के घर पर आप देख पा रहे हैं, रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है. रिया के घर पर आपको बताऊं सर यहाँ पर आए, आप देख पा रहे हैं पूरी एक टीम है जो रिया के घर पर पहुंची है और रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं बकायदा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर है खुद यहाँ पर पहुंचे। सर कोई सर्च ऑपरेशन चलेगा यहाँ पर? सर सर्च ऑपरेशन चलेगा, सर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये रिया का घर है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद आप देख पा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया के इस घर पर, रिया अपने भाई शोविक के साथ यहीं पर रहती है और यहीं पर बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है और अब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। भारी भरकम टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। जो महिला है वो भी यहाँ पर एनसीबी की टीम की वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसके अलावा आपको बता दूं कि जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी जो टीम है वो पहुंची हुई है। ये हालत है यहाँ पर, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूरी तरह से यहाँ पर पहुंची हुई है। अब रिया के घर पर ऑलराइट, लेट्स क्विकली कट अक्रॉस सौरभ भक्तानिया, इवन Samuel Miranda now being raided by the NCB. These are live shots coming in of the Narcotics Control Bureau who've just landed in Samuel Miranda's house. They've just landed at his house. They're entering now. Visuals coming in. Samuel Miranda's house also to be raided. Remember the link between Samuel Miranda, Rhea Chakraborty and Shovik. They've been speaking back and forth across many chats referring to banned substances, speaking about drugs extensively. And here is the Narcotics Control Bureau now headed towards Samuel Miranda's home to try and find out if they do find or catch hold of any banned substances. Saurabh Bhaktania joining us from right there on the spot. अब सहार में पहुंच चुकी है और ये बड़ी कार्रवाई करने जा रही है यहाँ पर। ये सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन करेगी। मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि